दोस्तों भारत की तरह पाकिस्तान भी सामना कर रहा है तूफान का, लेकिन तूफान से निपटने के लिए तैयारी नहीं करना है उन्हें, उन्हें भारत के ऊपर कीचड़ उछालना है। तो भैया यूएन में मीटिंग हुई, उसमें क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले कि भारत में जो मोदी सरकार है वह मुस्लिम और ईसाई लोगों के लिए खतरा है, हिंदुत्व का राज होने वाला है भारत में। मतलब पाकिस्तान जिसके संविधान में लिखा हुआ है कि वो एक इस्लामिक देश है, वो भारत पर आरोप लगा रहा है। जाहिर है भारत ने भी भैया मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो भी खुले चौराहे पर भैया जी, कि पाकिस्तान को भैया हैसियत नहीं है ये सब कहने की। इतिहास साक्षी रहा है, पाकिस्तान रहा है तक्षशिला की जगह है जहां दुनिया ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आज वहां से पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भैया जी बौद्ध ईसाई हिंदुओं का क्या हाल होता है ये पूरी दुनिया को, अखबारों को पता है, उसके बावजूद ये भारत पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और भैया जी तूफान आप छोड़ दो, इनकी हालत देखिए, ब्रिटिश कंपनी मतलब ब्रिटेन ने ही पाकिस्तान बनाया असलियत में, जिन्ना की कहाँ हिम्मत थी भैया पाकिस्तान बनाने की, वो ब्रिटेन आज पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है। ब्रिटिश कंपनी शेल पेट्रोलियम ने अपने सारे शेयर बेच दिए भैया जी, उन्होंने कह दिया कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना पाकिस्तान में, कच्चे तेल की हालत बहुत खराब है वहां पर, बेचने में घाटा हो रहा है, इकोनॉमी खस्ता हाल है, IMF से बेल आउट नहीं मिल रहा है। तो ब्रिटिश कंपनी का पाकिस्तान छोड़ना, इसको आप सिर्फ एक कंपनी मत मानिए, ये दर्शाता है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में बहुत कम है। और ये तो सिर्फ हेडलाइन है, बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी होंगी और छोड़ेंगी सेल को देखा देगी, जबकि इतनी दुर्दांत हालत है पाकिस्तान की, उसके बावजूद क्या बोल रहे हैं कि हम जो है भारत के साथ ट्रेड करना नहीं चाहते। अरे भैया भारत में कौन बैठा है उतावला, हम कोई प्यासे बैठे हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड को रिवाइव करने के लिए? आप तो भैया जी जैसे हो वैसे ही बने रहो, आपसे हम जितने दूर रहेंगे उतना हमारा भला होगा। रही बात पाकिस्तान की, तो हम तो भैया बार बार कहते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के, इसलिए इनको सब काम छोड़ के महालक्ष्मी जी की शरण में आना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, IMF के पीछे, अमेरिका ब्रिटेन शेल पेट्रोलियम के चक्कर काट रहे हैं। अरे भैया आप अलग अलग 10 दरवाजों पर मत्था मत टेको, सिर्फ एक दरबार में श्री महालक्ष्मी जी के दरबार में आप समर्पण कर दीजिए, आपकी पूरी दरिद्रता कल समाप्त हो जाएगी भाई साहब पक्के से।